नथिंग के बारे में बात करें तो ये अपना एक पहली बार एक मिड रेंज फोन यहाँ पर निकालने वाली है। अब नथिंग की शुरुआत देखा जाए तो कुछ साल पहले हो चुकी थी और अभी तक उनकी फिलॉसफी ये थी कि साल में बस एक फोन निकालना है। नथिंग फोन 1 जब आया था तब उसकी कीमत 30,000 रुपए के ऊपर थी, लेकिन जैसे ही वो फोन 30,000 के नीचे गया बहुत ज्यादा बिका। वही बात करें नथिंग फोन 2 की, जब वो फोन इंडिया में लॉन्च हुआ था तो कीमत बहुत ज्यादा थी, लगभग स्टार्टिंग प्राइस 45,000 था। और सच बात बताओ नथिंग फोन 2 की सेल्स उतनी जबरदस्त हुई नहीं जैसी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद नथिंग के दिमाग में आता है कि उन्हें अपना एक सस्ता मॉडल निकालना चाहिए। वेल बात की जाए तो सस्ते मॉडल का ख्याल नथिंग को इससे पहले भी आ चुका है। अगर हम बात करें जो पहली रिपोर्ट किसी नथिंग फोन की आई थी वो आई थी एक लाइट वर्जन की, जो कि नथिंग फोन 1 के लॉन्च के ठीक बाद सामने आई थी, और ये बात मैं कर रहा हूं 2022 की। लेकिन उसे खुद कार्ल पे ने यहाँ पे फेक बोला था कि इस टाइप की कोई चीज यहाँ पर नहीं है। उसके बाद नथिंग फोन 2 जब लॉन्च होने वाला था पिछले साल, तो अराउंड अगस्त के महीने में IMEI डेटाबेस में एक फोन पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है नथिंग फोन 2A। इसके साथ ही पिछले साल नवंबर और दिसंबर में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कई लोग कहते हैं नए टाइप का फोन होने वाला है और काफी सारी चीजें आती है मार्केट में। और अब जाके कंफर्म हो गया कि इस फोन को जो नथिंग है वो MWC में शोकेस करेगी और अगले हफ्ते इंडिया के अंदर इस फोन को ऑफिशियली लॉन्च करेगी। अब बात करें तो इस फोन की ऐसी खास बात क्या है। देखो सबसे पहली खास बात है कि फोन की कीमत होगी 25,000 रुपए से भी कम, जैसे लोग कह रहे हैं, और मेरे को लगता है कि ऑफर वगैरह लगा के ये फोन 25,000 के नीचे पॉसिबल है, क्योंकि 25,000 के अंडर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे लोग फोन खरीदना पसंद करते हो, और नथिंग अगर एक अच्छा फोन यहाँ पे डिलीवर कर सकता है तो वो यहाँ पे बिक सकता है, क्योंकि उन्होंने फोन 1 की सक्सेस यहाँ पर देखी थी। और इस बार नथिंग के साथ एक चीज ये कि ये लोग पहली बार MediaTek Dimensity का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि MediaTek से पहले वो लोग स्नैपड्रैगन पे थे, जैसे कि आपको पता है कि फोन 1 के अंदर 778G आया था और नथिंग फोन 2 के अंदर आपको देखने को मिला था स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। और इन प्रोसेसर के साथ बात ये कि प्रोसेसर तो अच्छे थे लेकिन स्नैपड्रैगन थोड़ा महंगा पड़ता है, और इसीलिए MediaTek के पीछे गए और Dimensity 7200 Pro ये लोग यूज कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि Dimensity 7200 Pro में इन्होंने कुछ कस्टमाइजेशन करवाई MediaTek से और ISPs वगैरह का ट्यून करवाया, लेकिन बात ये कि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, CPU स्पीड, क्लॉक स्पीड, एग्जैक्ट सारी चीजें आपको 7200 ले ले, 7200 अल्ट्रा ले ले, 7200 प्रो ले ले, सारी की सारी चीजें वैसी। इसके साथ ही बात करें तो नथिंग की पहचान होती है पीछे का ग्लिफ इंटरफेस, यानी कि पीछे LED लाइट्स। अब इन LED लाइट्स को जो नथिंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखेगी, और ये जो LED लाइट्स होती है और यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया, जैसे कि जो लिंक्ड रेंडर्स आए और जो इमेजेस आई है उन्हें देख के फोन काफी ज्यादा अलग लगता है, तो काफी ज्यादा यूनिक लगता है। 3 LED लाइट्स आपको कैमरा के अराउंड देखने को मिल रही है, और कैमरा भी देखा तो उसकी जो पोजीशन होती है ना वो भी आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिल रही है, जो इससे पहले आपको गूगल पिक्सल और LG के कुछ फोन्स में देखने को मिला था। कुल मिला के बात है कि 2 कलर में आ रहा है, ब्लैक और व्हाइट में, और यहाँ पे चारों तरफ जो फ्रेम है वो आपको इस बार प्लास्टिक की है। कहने का मतलब है कि इस बार ऐसा फोन यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो मासेस के अंदर बेच सके। पिछले साल नथिंग की देखा जाए तो फोन 1 के बाद फोन 2 काफी अच्छा हिट हो सकता था अगर उसकी प्राइसिंग सही होती, अगर उसे 40,000 के अंडर रिलीज करते, लेकिन उसकी उतनी सेल्स हो नहीं पाई। और इसी के साथ ही पिछले साल नथिंग ने एक और फोकस किया था CMF ब्रांड निकाल के, जो कि उनका ही एक सब ब्रांड है जहां पे वो लोग TWS, नेकबैंड, चार्जर्स ये सब लोग निकाल रहे थे, और उसके प्रोडक्ट्स वो लोग लगता है कि आने वाले समय में निकालते रहेंगे, वो चीज यहाँ पर रुकने नहीं वाली। लेकिन जो नथिंग की कोर फिलोसफी है ना, अब लगता है कि उसके अंदर एक चेंज आ गया और फोन 2A इस चीज को लेकर आगे बढ़ेगा। और फोन 2A के अंदर बात करो, अगर आप स्पेसिफिकेशन जानने में इंटरेस्टेड है तो कुछ बेसिक चीजें बता सकता हूँ। 6.7 इंच का 120Hz OLED डिस्प्ले होगा, 45W की चार्जिंग का सपोर्ट होगा, लेकिन चार्जर मेरे को लगता है नहीं कि लोग बॉक्स में डाल कर देंगे, मेरे को लगता है कि CMF का चार्जर निकाले ना उसे लोग अलग से बेचेंगे यहाँ पे, या हो सकता है शायद बंडल करके दे दे। 5000mAh की बैटरी होगी। कैमरा होंगे इस बार 12 कैमरा 50MP के, लेकिन इस बार आपको दोनों ही सैमसंग के इमेज सेंसर देखने को मिलेंगे और मेन कैमरा में OIS है। और अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस सही रहती है, और हाँ सॉफ्टवेयर नथिंग का अगर सही रहता है तो वो काफी अच्छा है, क्योंकि नथिंग के साथ बात है कि सॉफ्टवेयर वो लोग काफी सही लगता है, और जिन लोगों को नथिंग का UI पसंद आता है चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि UI थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ये बिल्कुल ही प्योर एंड्रॉइड नहीं है, उसी एंड्रॉइड के अंदर इन्होंने कुछ अपनी चेंजेस करे। लेकिन एक अच्छी बात है नथिंग के साथ कि उन्होंने कोई भी ब्लोटवेयर यहाँ पर नहीं डाला है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे नथिंग के साथ। लेकिन नथिंग एक जो जगह मात खाता है वो मात खाता है कैमरा प्रोसेसिंग के अंदर। अगर वो अपनी इमेज प्रोसेसिंग सुधार ले तो एक काफी ज्यादा जबरदस्त डील बन सकता है, और देखने वाली बात है कि फाइनल इस चीज की प्राइसिंग क्या रहती है। और एक कुछ बातें नथिंग फोन 2A से रिलेटेड बता देता हूँ। नथिंग फोन 2A को लेकर नथिंग का प्लान है कि पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम जाने का, और इसलिए वो पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं इंडिया पे।
सबसे पहली चीज वो अपना फोन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में तो शोकेस कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में ये लोग फिजिकल लॉन्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काफी बड़ा लॉन्च इवेंट होगा जहां पर ये लोग फोकस करेंगे, अपने फैंस और कम्युनिटी को भी बुलाएंगे, कार्ल पे खुद आएंगे यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरी चीज, नथिंग ने डायरेक्टली पार्टनर करा है यहाँ पे एक रणवीर सिंह के साथ, जो रणवीर सिंह इस बार उनके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, और फोन टू एक के टीवी एड्स और प्रिंट एड्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए, नथिंग को प्लान ये है कि इस बार नथिंग को मेन स्ट्रीम मार्केट में कूदना है। नथिंग वाले जितना मेन स्ट्रीम जाएंगे उतना उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि रणवीर सिंह का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन भी उनका ठीक है, पीछे एलईडी लाइट्स काफी सारे लोगों को ऑफलाइन में अट्रैक्ट कर सकती है, इस कारण से ये फोन ऑफलाइन वगैरह में बहुत बड़ा हिट बन सकता है। और सही चीजें की गई तो 20 से 25,000 का सेगमेंट बहुत आसानी से लोग क्रैक कर सकते हैं। ये कुछ चीजें नथिंग के साथ बहुत कहां पे काम कर सकती है। अब देखने वाली बात है कि किस तेजी से मेन स्ट्रीम यहां पर जाते हैं, क्योंकि इतना मेन स्ट्रीम में लोग फोन वन के साथ भी नहीं गए थे, फोन टू के साथ भी नहीं गए थे, लेकिन फोन टू एक चीजें बहुत ज्यादा बदल सकता है और सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर मार्केट में ग्रैब कर सकता है अगर इस फोन को लोगों ने यहाँ पे पसंद किया और खरीदा तो। इसके साथ ही फोन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, और ओवरऑल बात करें तो फोन मेरे को यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन बात की जाए तो 20 से 25,000 का सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है। अगर आपको प्रोसेसर वाले फोन चाहिए तो यहाँ पे पोको का X6 है 20,000 रुपए में, जो कि बहुत जबरदस्त फोन है उस प्राइस कैटेगरी के अंदर। तो इसके साथ ही 20,000 रुपए में आईकू जैसी कंपनी भी आती है। अब आईकू के बारे में बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी फ्लैगशिप कलर ब्रांड है मार्केट में वो आईकू है। आईकू के बारे में आप एक बात समझ सकते हैं कि आईकू जिस कीमत पे फोन निकालता है और उसमें जो प्रोसेसर होता है ना वो उसकी कीमत सबसे कम होती है। आप लोगों ने आईकू न्यू 9 प्रो के साथ देखा कि 8 जेन 2 किस कीमत पे ले आया, आईकू 12 के साथ देखा 8 जेन 3 किस कीमत पे ले आया, अब आईकू Z9 भी आने वाला है, अब उसे देखने की वो किस कीमत पे आता है, हो सकता है वो 20,000 रुपए तक का प्राइस पॉइंट टच कर जाए, तो यार वो भी एक चीज रहेगी। लेकिन हाँ, फोन 2A जो रहेगा वो अपनी शायद एक अलग ऑडियंस और अलग मार्केट को कैटर कर सकता है, तो उसके लिए वो एक बड़ा एडवांटेज रहेगा। कुल मिला के कहा जाए तो काफी ज्यादा हाइप उन्होंने बिल्ड कर ली है, फोन ऑलरेडी लीक हो गया था लेकिन फिर भी जो भाई वाला कैंपेन उन्होंने चलाया था उसके साथ भी इनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिला। लेकिन नथिंग के साथ जो शुरुआत से प्रॉब्लम थी ना कि हमेशा से ऑनलाइन फोकस था, नीश मार्केट का था, इस बार लग रहा है कि ऑनलाइन को हटा के और नीश को हटा के प्रॉपर मेन स्ट्रीम जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि पॉजिटिव रहेगा, बिकेगा यहाँ पे फोन काफी अच्छा, और सेल वगैरह में तो जब डिस्काउंट आ गया तब तो ये और ज्यादा बिकेगा। इस साल उनका बेस्ट सेलर तो फोन 2A रहने ही वाला है, लेकिन इसके बाद नथिंग फोन 3 का क्या? देखो सच बताओ, नथिंग फोन 3 के कोई भी लीक्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब रूमर्स चल रहे हैं। यहाँ पे बात आती है 3 कैमरा होंगे, यहाँ पर बात आती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा, 8 Gen 2 होगा, यार कुछ भी नहीं पता। यार सीधी बात बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त तक वेट करो, वही टाइम रहेगा फोन 3 का। देखने वाली बात है कि फोन 3 लॉन्च हो कि फोन 3 के साथ ये लोग फोन 3 प्रो या ऐसा कुछ भी यहाँ पे लॉन्च कर दे, देखते हैं क्या चीजें रहती है, उसके लिए आप बने रहिए यहाँ पे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी फोन 2A का आप लोग इंतजार कर रहे कि नहीं कर रहे बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। थैंक यू देखने के लिए, मैं आप समझ नेक्स्ट फ्रेंड के अंदर, गुड बाय।